नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। हिसाब बराबर है फिलहाल 1-1 से, लेकिन आज की जीत बड़ी यादगार जीत है क्योंकि रोहित शर्मा का आज 100वां T20 मैच था। 100 तो नहीं बना, लेकिन ऐसी तूफानी बल्लेबाजी के सामने बांग्लादेश चारों खाने चित हो गया। 8 विकेट से भारत को जीत मिली है, बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी। शिखर ने 31 रन बनाए, उसके बाद रोहित भी 85 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे और उनके साथ केएल राहुल 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे और भारत को यह बड़ी कामयाबी मिली, बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी। मदन जी स्टूडियो में है और मदन जी, 26 गेंद रहते हैं, अगर आप 8 विकेट से T20 का मुकाबला जीते तो आप सामने वाली टीम को कहते हैं यार 50 रन और बना लेते हैं, वो भी बना देते हैं। नहीं बना सकते थे इस विकेट पे, अगर 50 वो ज़्यादा भी बनाते तो मेरे ना इंडियन टीम के पास जो बैटिंग लाइनअप है ये रन बना सकती थी। पर रोहित शर्मा की बैटिंग देख के बहुत मज़ा आता है। जब रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं तो बैठने का दिल करता है, उसकी बैटिंग देखने का दिल करता है और इतने आसानी से शॉट खेलता है और कोई ऐसा शॉट नहीं है जो उनके पास नहीं है। मैं वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैनों नंबर वन बैट्समैन है अगर आप, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो शॉट्स खेलता है पता लगता है कि हाँ कोई वाकई बैट्समैन, जैसे विमल रिचर्ड हुआ, सचिन हुआ, या बड़े बड़े खिलाड़ी जब बैटिंग करते हैं आप रुक कर देखते हैं और ये एक वन ऑफ द ऐसा प्लेयर है जिनको आपको रुकना पड़ता है देखने के लिए, सारा जो क्राउड है वो देखना चाहता है। पर आज देखिए एक प्रेशर भी था, प्रेशर था और प्रेशर में रन बनाना, मैं तो कहूंगा उनकी कप्तानी भी, क्योंकि एक वक्त जब बांग्लादेश ने 7 ओवर में 60 रन बना लिए, कोई विकेट नहीं गिरा, कप्तान के तौर पर भी वो जो कूल काम रहे, कोई बात नहीं, इन्होंने शुरुआत अच्छी की है, मैं कप्तान के तौर पर बॉलर्स को बैक करके वापस लेकर आऊंगा। न सिर्फ कप्तान के तौर पर बल्कि बल्लेबाज के तौर पर भी, देखिए आज रोहित शर्मा के लिए आज का दिन यादगार रहा। राजकोट में भारत ने यह जीत दर्ज की है। बांग्लादेश ने रन कम बनाए थे क्योंकि इस विकेट पर 170-180 रन से नीचे वो लड़ नहीं सकते थे, खास तौर से जिस तरह रोहित शर्मा उनके गेंदबाजों के पीछे शुरू से ही भागे। शिखर धवन दबाव में है, उनकी बैटिंग में भी वो चीज़ दिखी है, दिल्ली में भी दिखी, यहाँ पर भी दिखी, लेकिन आज चूंकि रोहित शर्मा सामने वाले एंड पर अपने अंदाज में खेल रहे थे, शिखर को भी वक्त मिला। हाँ बिल्कुल, वक्त मिला और देखिए क्या है कि बड़ा ज़रूरी रहता है आप एज ए प्लेयर जब बैटिंग करते हैं, जब इतना बड़ा प्लेयर आपके सामने बैटिंग कर रहा है तो आपके भी बैटिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है। शिखर को थोड़ा सा आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना होगा क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा चांस के लिए खेल रहे हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल रहेगा उनके लिए। पर यह है कि जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश ने बैटिंग अच्छी की थी पर बीच में जो 4 आउट हुए हैं ना, बीच में आकर वहाँ से एकदम जो है बांग्लादेश का जो रन रेट है डिप किया है और उसमें मैं समझता हूँ कि क्रेडिट दीपक चहर और चहल अपना लेग स्पिनर चहल और सुंदर तीनों को जाता है। विशिंगटन सुंदर ने बड़ी अच्छी की थी। देखिए बॉलरों का साथ देना भी बड़ा जरूरी होता है, ये इसीलिए रोहित शर्मा की आज ना सिर्फ मतलब बल्लेबाज के तौर पर जीत हुई है बल्कि कप्तान के तौर पर भी, क्योंकि T20 में क्या होता है ना कि आप 3 गेंदें इधर गई, 3 गेंदें उधर गई, मैच इधर से उधर उल्टा पलटी हो जाती है, लेकिन वहां पर अपना संयम बनाकर रखना, गेंदबाजों को बैक करना, वो चीज दिखी। एक और चीज जो दिखी है वो ये है, रोहित ने कल कहा था, उन्होंने कहा था कि ठीक है अब नए अंदाज में नए तेवर से हम T20 खेलते दिखेंगे। अब जाहिर तौर पर आप 154 रन चेज कर रहे थे, अच्छी बैटिंग विकेट थी, आपको शुरुआत अच्छी मिल गई, उसके बाद आप ताबड़तोड़ आप खेलते रहे, लेकिन क्या ये शुरुआत हो सकती है? क्योंकि हम अक्सर ये चीज़ बात करते हैं कि भाई T20 में शायद भारत वनडे की तरह खेलता है इसलिए आप T20 में स्ट्रगल करते हैं, क्या ये एक टेम्पलेट सेट होगा? ठीक है आप हर मैच में 10 या 11 रन पर ओवर नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या ये एक टेम्पलेट है जो आपको लगता है कि T20 में भारत को अडॉप्ट करना ही होगा? नहीं देखिए अडॉप्ट तो करना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है या अच्छा प्रदर्शन करना है। पर मेरे को लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि मेरे को क्या कहाँ से दिखाई दे रहा है जो इनका चेंज, जब श्रेयस अय्यर जब आते हैं, जब वो बैटिंग करते हैं तो पता लगता है कि ये अटैक कर रहे हैं, क्योंकि रन चाहिए आपको इस वक्त। आज भी देखिए उसने 24 रन कितने बॉलों में बनाए, हार्डली मेरे ख्याल उन्होंने कोई मेरे, और श्रेयस अय्यर की एक चीज क्या है, कहते हैं ना वाइज हेड ऑन यंग शोल्डर्स, वो चीज उनमें दिखती है। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL में ऐसे ही कप्तानी नहीं करा दी और पिछले 3 महीने से जैसे वो भारत के लिए खेल रहे हैं T20 में वनडे में, बड़ी पारियां आएंगी लेकिन उन्होंने वो इम्कान दिखा दिए हैं, वो दिखा दिया है कि भैया मेरे में वो है। और जो लंबे लंबे छक्के मारते हैं एफर्टलेस, वो स्पिनर्स को तो ऐसे या धोनी मारा करते थे या फिर युवराज सिंह मारा करते थे। खैर फिलहाल मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन यहां पर तो टीवी पर बातचीत ब्रेक के बाद भी होगी, खासतौर से गेंदबाजों की बात होगी, लेकिन आपका मंच है स्पोर्ट्स तक, हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर सीधे सीधे आपके सवाल लिए जाते हैं, आपकी राय भी ली जाती है और
10:50 पर हम लाइव होंगे आपके साथ स्पोर्ट्स तक पर। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बताइए रोहित शर्मा में खास क्या है।